हेलो डियर फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड द्वारा सेंटअप एग्जाम हुआ बायोलॉजी का, उसी का आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं। जो बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम दे दिए हैं वो फटाफट सभी आंसर को मिला लीजिए, और जिसका अभी तक सेंटअप एग्जाम नहीं हुआ बायोलॉजी का, उनको भी यही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर जारी करता है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक आप सेंटअप एग्जाम करेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को फटाफट मिलाइए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिनोकार्पिक फल का उदाहरण है, संतरा, अनार, केला या फिर नाशपाती। आपको करेक्ट आंसर चूज करना। देखिए इसमें जो केला है वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक फल का उदाहरण है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पेरिपेटस किसके बीच का संयोजक करिए, ठीक है, पेरिपेटस जो है किसके बीच का संयोजक करिए, यह है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, यानी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक करिए कौन है, पेरिपेटस, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया है कि डार्विन संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्परिवर्तन से, प्राकृतिक चयन से, अकार्बनिक विकास से या फिर इनमें से सभी। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये तीनों से संबंधित होंगे, उत्परिवर्तन से भी, प्राकृतिक चयन और अकार्बनिक विकास से भी, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है, यानी डार्विन संबंधित है, उत्परिवर्तन से भी, प्राकृतिक चयन से भी और अकार्बनिक विकास से भी। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि आवृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, आवृत बीजी में जो किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो त्रिगुणित, कौन सा गुणित, त्रिगुणित भ्रूणपोष पाए जाते हैं आवृत बीजी में। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अंडा उत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्ली आवरण क्या कहलाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन है, कोरिओन या फिर कोरोना रेडियाटा या फिर जोना पेलुसिडा या फिर जोना रेडियाटा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसको जो कहते हैं कोरोना रेडियाटा, क्या कहते हैं, अंडा उत्सर्जन के समय जो अंडाणु का जो झिल्ली आवरण होता है, जो कवर होता है, उसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। आगे पूछा गया है कि बिना निषेचन के बीज के, यानी बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, निष्क्रियता से, अंग असंग जनन से या फिर बहुभ्रूणता से या फिर अनिषेचक जनन से, तो किस विधि से प्राप्त होते हैं, असंग जनन से, यानी असंग जनन से बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होते हैं, तो यह विधि जो है असंग जनन, इसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल पर आप जो विजिट कर रहे हैं, ये चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है इंटरमीडिएट की। ठीक है, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां एक तरह से विजिट कर लीजिए कि कैसे पढ़ाई होती है और कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए और एग्जाम टाइम में काफी आपको मदद करेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि इस चैनल से काफी हर जो अपडेट दिए जाते हैं, यानी सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पूरा आपको अपडेट मिलते रहेगा इस चैनल के बारे में, यानी इस चैनल में कब कौन सा टाइम में किस चीज की, कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए एक तरह से फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी एक युग्मक में जो मौजूद होता है एक ही सेट में, उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। यानी एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के अगुणित सेट को क्या कहते हैं, जीनोम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। ठीक है, यानी रोगजनक कौन सा बीमारी का है, वो आपसे पूछा जा रहा है, टिटनेस, चिकन पॉक्स या फिर फाइलेरियासिस या फिर डिसेंट्री। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो है फाइलेरियासिस, यानी फाइलेरियासिस। ठीक है, यानी एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, तो फाइलेरियासिस। ठीक है, यानी आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए में हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में से किस के मध्य में पाया जाता है, यानी डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किस किस के बीच पाए जाते हैं, सल्फर तथा क्षार के मध्य या फिर फॉस्फोरेट तथा क्षार के मध्य या फिर पूरक क्षारों के मध्य या फिर इनमें से सभी। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो पाए जाते हैं पूरक क्षारों के मध्य पाए जाते हैं, कंप्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं उसके बीच में पाए जाते हैं, पूरक क्षारों के मध्य में पाए जाते हैं डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धसे रंध्र किस तरह के पौधों में पाए जाते हैं। धसे जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं, वो किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पाए जाते हैं तो मरुद्भूमि, यानी एक तरह से कौन सा पौधे में, मरुद्भूमि पौधे में पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र। इस प्रकार के किस में पाए जाते हैं, मरुद्भिद पौधे में पाए जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि अस्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में किस
निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतर है, रूपांतरण है, यानी अस्तन ग्रंथि या निम्नांकित किस ग्रंथि का जो है रूपांतरण है, एड्रिनल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या फिर एंडोक्राइन ग्रंथि या फिर थायरोइड ग्रंथि। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो होते हैं स्वेद ग्रंथि यानी अस्तन ग्रंथि या निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है, तो स्वेद ग्रंथि का क्या रूपांतरण है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं गया। एक बात मैं बता दूं कि आप लोग का जो सेंटअप एग्जाम होता है तो यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसी टाइप के, इसी वेट के, इसी मतलब जो जैसे लगते हैं इजी लगते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगर ये समझते हैं कि सेंटअप एग्जाम अलग है, बोर्ड एग्जाम अलग है, तो मैं तो बिल्कुल ये बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही सेंटअप एग्जाम है या फिर सेंटअप एग्जाम ही बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, इसलिए आपको एक तरह से सेंटअप एग्जाम में भी अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको मनोबल मिलेगा, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आपका बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी तरह से नंबर आएंगे। अगर आप सेंटअप एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर नहीं ला पाते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप एक तरह से वो जो होता है भावनात्मक जो होता है, भावनात्मक क्रिया जो होती है, एक तरह से भावना टूट जाती है। इसलिए आप लोग बढ़िया से नंबर लाइए, अच्छे नंबर लाइए सेंटअप एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे। पूछा गया है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन एक अच्छा संवाहक है। ठीक है, यानी कौन एक अच्छा संवाहक है, ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस यानी ट्यूमीफेसियंस, ये क्या है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एक अच्छा संवाहक का काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए लाइगेज या फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो होते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज यानी विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, यानी तीसरा नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पादप पलवक क्या कहलाते हैं। ठीक है, स्वपोषक कहलाते हैं, विषम पोषक या फिर मृतजीवी या फिर इनमें से सभी। ठीक है, यानी पादप पलवक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया। ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया कि चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए ये जो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी चराई खाद्य श्रृंखला में यानी इन ग्रेजिंग फूड यानी ग्रेजिंग जो फूड चैन होता है इसमें क्या कहलाते हैं, मांसाहारी को क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर से कहलाते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण में अंग तथा अंक जिन्हें अंगुल कहते हैं, अंक को क्या कहते हैं, अंगुल भी कहते हैं, तो कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 5 महीना या फिर पहला तिमाही यानी तीसरा महीना शुरू होने पर उसी में यहां तक विकसित हो जाता है, यानी मानव में भ्रूण में अंग तथा अंक जो होते कब, कितने महीने में विकसित होते, कितने दिन में, तो ये जो होते हैं ये 8 हफ्ते तक यानी 8 हफ्ते में विकसित होते हैं, यानी मानव भ्रूण में अंग तथा अंक के कितने सप्ताह के बाद विकसित होते हैं, तो 8 सप्ताह के बाद, 8 वीक्स के बाद विकसित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्राणु नलिकाओं से शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है, शुक्राणु नलिका से शुक्राणु की रिहाई क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, शुक्राणु रूपांतरण, यानी क्या कहलाती है उसको, शुक्राणु रूपांतरण कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया है कि कोलिजिन निम्नलिखित में से किसमें हस्तक्षेप करता है, ठीक है, धुरी संगठन में या फिर बहुगिनेता में, डीएनए प्रतिकरण में या फिर इनमें से सभी। चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। देखिए ये जो हस्तक्षेप करते हैं ये किसमें करते हैं, डीएनए प्रतिकरण में करते हैं, यानी कोलिजिन जो एक तरह से किसमें हस्तक्षेप करते हैं, डीएनए प्रतिकरण में अपना हस्तक्षेप करते हैं, अपना उसमें भूमिका निभाते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी एस सी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपका सेंटअप एग्जाम 2021 में, ये जो पूछा गया कि वाई गुणसूत्र कैसा होता है। ठीक है, वाई गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, वही आपको पूछा गया। ये जो होता है ये क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक यानी क्या, कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक जैसा होता है। इस तरह से 1900 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे हम डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक परिवर्तन करता है, जड़ों के द्वारा, तन के द्वारा, फिर पत्तियों के द्वारा या फिर कंद के द्वारा, ये किसके द्वारा जो है एक तरह से कायिक परिवर्तन करता है, ये जो करता है पत्तियों के द्वारा करता है, पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक परिवर्तन करता है, तो पत्तियों के द्वारा करता है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया कि मृदु जलीय स्पंज के आंतरिक मुकुलन को क्या कहा जाता है, कंद, जेम्मा या फिर जेम्यूल या फिर अस्कुलम। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन
रखा गया 21वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो कहे जाते हैं जेम्मा कहलाते हैं, यानी मृदु जलीय स्पंज के आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो जेम्मा कहा जाता है। यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। यानी दुधवा नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है, ये जो है कहां, उत्तर प्रदेश में, कहां है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ नैनीताल में, हां उत्तर प्रदेश के नैनीताल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के नैनीताल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है, लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का जो संरक्षण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, बीज बैंक, जीन लाइब्रेरी या फिर हर्बेरियम या फिर कलम बंधन द्वारा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया 23वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो होते हैं बीज बैंक, यानी लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से, तो बीज बैंक के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाणु प्लाज्मिडम, यानी जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए या फिर आरएनए तथा प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। ये जो होते डीएनए होते, यानी जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होते हैं, एक तरह से प्लाज्मिड में जो होते पाए जाते वो क्या पाए जाते, डीएनए पाए जाते। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसी तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट फिर हम बाद में तरह से सारे कमेंटों को रिकवर करेंगे, सारे कमेंटों को रीड करेंगे, उसके बाद आप लोगों को फिर जो जहां भी अगर कंफ्यूजन हो आप लोग फिर वहां कमेंट करके बताइएगा कि एक सर ये जो है क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन लगता है। तो यहां 25वां नंबर हम क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है, यानी बीटी कपास किस विधि द्वारा निर्मित होता है, बीटी जीन की, बीटी जी की यहां साफ नहीं दिखाई दे रहा, नर्दन ब्लोटिंग या फिर बीटी जीन की क्लोटिंग क्लोनिंग द्वारा या फिर बीटी, यहाँ क्या कि बीटी जीन के सर्दन ब्लोटिंग द्वारा या फिर बीटी जीन का इन सीटू संकरण द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का वो होगा बीटी जीन, यानी बीटी जीन के सर्दन ब्लोटिंग द्वारा। ठीक है, इस तरह से 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर किया गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि प्लाज्मिड है इको आर आई या फिर हिंद थ्री या फिर पीबीआर 332 या फिर इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी यानी तीनों के तीनों हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे, ठीक है, किस काल में थे डायनासोर प्रमुख जीव, तो ये जो काल है ये कौन सा काल हो जाएंगे, जुरासिक, कौन सा काल में, जुरासिक काल में जो है डायनासोर क्या थे, प्रमुख जीव थे। अगला क्वेश्चन हम डील करेंगे 2800 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि किसी जीव की विकासवादी इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, यानी किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है, फिलोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी या फिर जीवाश्म विज्ञान या फिर वंश। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। ये जो जाने जाते हैं फिलोजेनी के नाम से जाने जाते हैं, यानी किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जो जाना जाता है किस नाम से, फिलोजेनी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि बत्तख बिल्ड प्लेटिपस, यानी बत्तख बिल्ड प्लेटिपस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। ये जो कड़ी है ये कौन सा कड़ी है, श्रीसृप तथा स्तनधारी के बीच, यानी श्रीसृप तथा स्तनधारी के बीच एक कड़ी होता है, एक चयन होता है। ठीक है, तो 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता। क्वेश्चन पूछा गया कि युग्मक विकल्पी, यानी युग्मक विकल्पी क्या है, एक म्यूटॉन है या फिर जीन का खंड है या फिर जीन का रूप है या फिर इनमें से सभी। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए ये जो होते जीन का रूप होते हैं, यानी युग्मक विकल्पी क्या है, तो जीन का एक रूप है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि एबीओ रक्त समूह, यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप प्रणाली किसके कारण है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पता या फिर यह प्रबलता, यानी एपिस्टेसिस या फिर अपूर्ण प्रभाविता या फिर अप्रभावी प्रबलता। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए ये जो होते हैं बहुविकल्पता, यानी बहुविकल्पता के कारण होते हैं, यानी एबीओ रक्त समूह जो होते हैं ब्लड ग्रुप प्रणाली जो किसके कारण है, तो बहुविकल्पता के कारण है। आगे हम डील करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर LNG20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ठीक है, ये जो उदाहरण है 32वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ये अंतर्गर्भाशय युक्तियां है। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता। पूछा गया कि सरोगेट, यानी सरोगेट मदर में के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, आपको 33वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ये जो कहलाते हैं गिफ्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया कि प्यूरिन में कितने चक्र होते हैं, प्यूरिन में जो होते हैं वो कितने चक्र है, एक दो या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो प्यूरिन में जो चक्र पाए जाते हैं तो इनमें से एक कोई चक्र नहीं होते, एक भी नहीं है तो दो भी नहीं होते, यानी 34वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता। आगे हम डील करेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है, केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य या फिर इनमें से सभी। ठीक है, अनुवादन की क्रिया जो होती है निम्नलिखित में से किस जगह होती है, यह जो होती है केंद्रक में होती है, कहां होती है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होती है। 35वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता।
क्वेश्चन पूछा गया कि यूकेरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियोसोम या फिर गुणसूत्र के द्वारा या फिर क्रोमेटिन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। यूकेरियोट्स में डीएनए का जो पैकेजिंग होता है, डीएनए पैकेजिंग का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के यानी क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो ये जो होते हैं ग्लाइकोसाइटिक यानी ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार और एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, कौन सा बंधन से, कौन सा बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एक दूसरे की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। एक तरह से 3700 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि टीबी यानी यक्षमा, टीबी का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का रोगजनक कौन है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, तो माइकोबैक्टीरियम के कारण क्या होता है, टीबी होता है, टीबी रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम के कारण एक जो बैक्टीरिया है रोगजनक है, इसी के कारण क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी जिसको कहते हैं, यक्षमा जिसको क्या कहा जाता है, यक्षमा भी कहा जाता है हिंदी में। तो 3800 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिका यानी बी सेल्स तथा टी सेल्स यानी टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में, पलिहा या फिर थायमस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो उत्पादन होते हैं, इसका जो उत्पन्न होता है, ये कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में उत्पन्न होते हैं। बोन मेरो में यानी बी सेल और टी सेल उत्पन्न होते हैं, यानी बी सेल और टी सेल का जो इम्यून सिस्टम का जो एक तरह से इम्यून सिस्टम को जो एक तरह से सहायता देते हैं, यानी ये क्या है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की बी यानी ये क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली का पार्ट है बी सेल्स और टी सेल्स, इसका उत्पादन किसमें होता है, तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में होता है। तो 39वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, यानी अफीम जो होता है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, थियासाइनेसिस या फिर पेपेवर सोमनीफेरम या फिर कोफियो अरेबिका या फिर सैचरम ऑफिसिएनेरम। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया। देखिए ये जो प्राप्त होते हैं, ये कौन सा पौधा से प्राप्त होते हैं, ये होते हैं पेपेवर सोमनीफेरम यानी पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होते हैं अफीम। ठीक है, इस तरह से 40 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इलिसा यानी ELISA का इलिसा का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो कौन सा बीमारी का, एड्स का पता लगाने के लिए, यानी एड्स जो है इस रोग का पता लगाने के लिए, इस बीमारी का पता लगाने के लिए इलिसा का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि शोर प्रदूषण किसमें पाया जाता है, शोर प्रदूषण जो होता है कि सॉरी शोर प्रदूषण किसमें मापा जाता है, यानी कौन सा इशू जो है, युक्ति है, कौन सा स्केल है जो मापा जाता है शोर प्रदूषण, तो ये जो मापे जाते हैं डेसिबल में मापे जाते हैं, यानी नॉइज पोल्यूशन को किसमें मापा जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में मेजर किया जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो 42वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन डील करेंगे 43वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्य वायु प्रदूषक जो ओजोन अपचय करता है निम्न में से कौन है, तो कौन सा है मुख्य, जो मेन जो है सीएफसी यानी सीएफसी के कारण जो है ये जो है ओजोन परत जो है क्षय होने लगता है, जिसके कारण रेडिएशन जो है डायरेक्टली पृथ्वी पर आएगा, जो जीवन क्षति को यानी जीव उत्पत्ति को क्षय पहुंचाएगा, उसको क्षति पहुंचाएगा। तो मुख्य वायु प्रदूषक में जो ओजोन अपचय करता है वो कौन करता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि पॉम्फ्रेट क्या है, यानी पॉम्फ्रेट जो है क्या है, मृदु जलीय मछली है, कटल मछली है, समुद्री मछली है या फिर सिल्वर मछली है। ठीक है, ये जो है ये कौन सा मछली है, ये एक प्रकार का समुद्री मछली होता है, यानी पॉम्फ्रेट क्या है, ये एक प्रकार का समुद्री मछली है। तो 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया कि रानीखेत निम्न में से किस की बीमारी है। ठीक है, यह आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, आप याद कीजिए थोड़ा सा, 9th क्लास में भी आप बायो में ये चीज पढ़े हैं, रानीखेत जो होता है वह किसकी बीमारी होती है, तो मुर्गी की बीमारी होती है, यानी मुर्गी में एक तरह से पाने वाले यानी चिकन में पाए जाने वाले एक रानीखेत होता है, जो बीमारी होता है एक डिजीज होता है। ठीक है, तो 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि दूध की उपज यानी मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध का उपज बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। आपको सामने चार ऑप्शन रखा गया, प्रोलैक्टिन या फिर सोरबिटोल या फिर गोनेडोट्रोपिन या फिर स्टील बेस्ड टेरोल। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया 46वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसको जो दिए जाते हैं प्रोलैक्टिन दिए जाते हैं, अगर दूध की मात्रा का बढ़ाना है, अगर दूध की उपज को बढ़ाना है तो गाय को क्या दिए जाते हैं, प्रोलैक्टिन दिए जाते हैं। तो 46वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया कि हिम परीक्षण यानी हिम परिरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, हिम परिरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, नवजात भ्रूण के लिए, जीवित कोशिकाओं के लिए, वीर्य संरक्षण के लिए या फिर इनमें से सभी। ठीक है, 47वां क्वेश्चन, देखिए ये जो होते हैं जीवित कोशिका के लिए, यानी हिम परिरक्षण
परिरक्षण किसके लिए उपयोगी है, तो जीवित कोशिकाओं के लिए, लिविंग सेल्स के लिए जो होता है हिम परिरक्षण उपयोगी होता है। ठीक है, तो 4700 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन शायद यहां साफ नहीं दिख रहा, देखिए 4700 क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए, लेकिन 47 क्वेश्चन के बाद 4800 क्वेश्चन 49 उसके बाद ये सब क्वेश्चन हमको साफ नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को 51 तक हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग को है, आप लोग के पास है, तो 47 48 49 उसके बाद 49 उसके बाद 50। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन अगर आप लोग का सेंटअप एग्जाम हुआ है तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 51वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इमर्सन प्रभाव, पाश्चर प्रभाव, हरित घर प्रभाव या फिर ब्लैकमैन प्रभाव, तो कौन सा प्रभाव कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे उसको, हरित घर प्रभाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इसको, हरित घर प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को कौन सा प्रभाव कहा जाता है, तो हरित घर प्रभाव कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे खराब जल धारण क्षमता यानी जल धारण क्षमता वाली कौन सी मिट्टी होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी या फिर बलुवाही मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी। ठीक है, चार ऑप्शन है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो गया बलुवाही मिट्टी, यानी सबसे खराब जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी है, तो बलुवाही मिट्टी है। ठीक है, यानी 52वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, अन्य पौधे यानी दूसरे पौधे की छाया में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको जो कहे जाते हैं, इसको छायाप्रिय पादप यानी क्या कहलाते हैं, इसको छायाप्रिय पादप के नाम से जाने जाते हैं, जो पौधे अन्य पौधे के छाया में एक तरह से उगते हैं, पौधा एक तरह से उसमें जन्म लेते हैं। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं, पौधे जो हम क्या प्रदर्शित करते हैं, 54वें नंबर क्वेश्चन में, देखिए ये जो प्रदर्शित करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का C3 चक्र या क्या लिखा हुआ, O3 या क्या लिखा हुआ, यहां को थोड़ा सा दिखने में ये लग रहा है कि साफ नहीं दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का O3 चक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से रसीले पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का O3 चक्र प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां शायद O3 है कि C3 है, यहां कंफर्म नहीं हो रहा, प्लीज आप लोग के पास अगर PDF है, आप लोग के पास अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग जो है टेलीग्राम में शेयर कर दीजिएगा। आगे 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे 55वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि गन्ना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, मेंडल के द्वारा, बेटसन के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, फिर पुनेट के द्वारा। ठीक है, ये जो विकसित किए गए थे ये किसके द्वारा, पुनेट के द्वारा विकसित किए गए थे, यानी गन्ना के चेकर बोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो पुनेट के द्वारा विकसित किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बताया गया है कि संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच, संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। ठीक है, आपके सामने एक संकरण या फिर द्वि संकरण या फिर परीक्षार्थ संकरण या फिर वापस संकरण। ठीक है, ये जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं भाई, परीक्षार्थ संकरण कहलाते हैं, यानी संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच जो क्रॉस किया जाता है उसको क्या कहलाते हैं, परीक्षार्थ संकरण कहलाते हैं, यानी टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं। ठीक है, तो 56वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता दिखता है। ठीक है, मक्का, मूंगफली, चावल या फिर आम, यानी भारत में सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता दिखाई पड़ती है वो किस में देखी जाती है, वही आपसे पूछा जा रहा। तो ये जो देखी जाती है आम में, यानी मैंगो में देखी जाती है। ठीक है, तो 57वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। पूछा गया कि निम्न में से कौन लुप्तप्राय नहीं है, विशालकाय पांडा या फिर पोडोफाइलम या फिर गंजा चील या फिर मार्गोसाय। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, देखिए इसका जो राइट आंसर हो गया वो होंगे आपका गंगा चील, यानी सॉरी गंजा चील, यानी इनमें से कौन लुप्त प्राय नहीं है, तो गंजा चील है वो जो है क्या है, लुप्त प्राय नहीं है। क्वेश्चन आगे डील करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए अंगुली छाप, यानी डीएनए अंगुली छाप का आधार क्या है। ठीक है, डीएनए जो अंगुली छाप का उसका आधार क्या है, डीएनए प्रतिकरण, द्विकुंडलीनी या फिर बेस अनुक्रम में त्रुटि या फिर अनुक्रम में बहुरूपता। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया है, अनुक्रम में जो होते हैं बहुरूपता होते, क्या होते हैं, इन्हें सिक्वेंस जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म में जो सिक्वेंस होता है, अनुक्रम में जो बहुरूपता होते हैं, इसी के कारण डीएनए अंगुली छाप का आधार होता है, डीएनए का जो अंगुली छाप का आधार क्या है, तो अनुक्रम में बहुरूपता। ठीक है, 59वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिडम यानी टीएस प्लाज्मिडम निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, देखिए ये जो प्राप्त होते हैं तो ये होते हैं स्यूडोमोनास सिरिंजी, यानी स्यूडोमोनास सिरिंजी के द्वारा प्राप्त होते हैं। 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवाश्म में क्या होता है। ठीक है, अतीत का मृत पशु या फिर अतीत का जैविक अवशेष या फिर प्रयोगशाला संरक्षित जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो होते
होते हैं? ये होते हैं एक तरह से अतीत का मृत पशु, यानी अतीत का मृत पशु एक जीवाश्म क्या है, क्या होता है, अतीत का मृत पशु होता है, ठीक है, यानी डेड एनिमल ऑफ द पास्ट, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आरएनए हस्तक्षेप किसके द्वारा उपयोगी है, यानी आरएनए हस्तक्षेप किसके द्वारा उपयोगी है, कोशिका रक्षा, कोशिका प्रसार, कोशिका विशिष्टीकरण या फिर सूक्ष्म प्रजनन, ठीक है। ये जो होते हैं ये किसके द्वारा, सूक्ष्म प्रजनन, यानी आरएनए हस्तक्षेप किसके द्वारा उपयोगी होता है, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग होता है, जीवाणु डीएनए या फिर डीएनए का टुकड़ा खंड या फिर विषाणु का डीएनए या फिर यूकेरियोटिक डीएनए, ठीक है, किसको काटने के लिए, तो किसको काटने के लिए यूज होता है, वो होता है जीवाणु डीएनए को काटने के लिए, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किसके किसको काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का यूज होता है, उपयोग होता है, तो जीवाणु डीएनए को काटने के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसजेनिक हिरुडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, टमाटर से, ओसिमम सेक्टम से या फिर आलू से या फिर क्या है, ब्रासिका नेपस से, ठीक है, चार ऑप्शन है। देखिए इसका जो ये जो प्राप्त किया जाता है टमाटर से, यानी ट्रांसजेनिक हिरुडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो टमाटर से, टोमेटो से प्राप्त किया जाता है, अचीव किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूगो डी विरिज ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर प्रभाविता का नियम या फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत या फिर पृथक्करण का नियम, ठीक है। ये जो बात किए थे ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी ह्यूगो डी विरिज ने क्या प्रस्तावित किया, क्या प्रस्ताव पारित किए, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को पारित किए थे, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचर नेचुरल सिलेक्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है कैसा होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है वो क्या होता है, निकोटिन और क्या होते हैं, पायरेथ्रम होते हैं, क्या होते हैं, पायरेथ्रम होते हैं, यानी 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन आगे डील करेंगे, क्वेश्चन है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, ठीक है, कौन सा, नाइट्रोरिडक्टेज या फिर नाइट्रोजिनेज या फिर ट्रांसफेरेज या फिर इनमें से सभी, कौन सा जो एंजाइम है वो आवश्यक है, जरूरी है, क्या करने के लिए, यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक है। तो ये जो जरूरी है ये कौन सा पौधा हो जाएंगे, ये सॉरी कौन सा एंजाइम हो जाएंगे, नाइट्रोजिनेज, यानी नाइट्रोजिनेज बहुत जरूरी होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, ठीक है, एलोजा या फिर मार्सिलिया या फिर टेरिडियम या फिर साल्वेनिया, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। देखिए ये जो यूज है ये टेरिडियम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, तो टेरिडियम क्या है, एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वे थे, पैकिंग मानव या फिर क्रोमैग्नन मानव या फिर नीएंडरथल मानव या फिर जावा कपी मानव, कौन सा मानव थे, ये जो मानव थे नीएंडरथल मानव थे, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेनिन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ठीक है, ये जो पाए जाती है किस में पाए जाते हैं, तो यानी क्लोस ट्रीडियम ब्यूटीरिकम में पाए जाते हैं। रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेनिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिकम में से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 70 क्वेश्चन पूछा गया आपको सेंटअप एग्जाम में, तो 70 क्वेश्चन का हम लोग आंसर की मिला है। और आप लोग जहां भी आपको डाउट नजर आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और एक तरह से बताइएगा कि आप लोगों को सही लगा या नहीं लगा। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल में आपको तैयारी कराई जाती है, आपको पीडीएफ भी मिलता है। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहां जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हर एक अपडेट आपको मिलेगा, कौन सा कितना बजे कौन सा क्लास होगा, कितना बजे कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में ही हम लोग का क्या करता है, मेहनत का फल है। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग को एक तरह से आप लोग के पीछे टाइम देते हैं, तो प्लीज आप लोग का भी एक तरह से फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक तरह से अपने दोस्तों में जम करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, ये तो था मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। अब देखते हैं थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा गया। देखिए डीएनए संपरीक्षक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसकी क्या उपयोगिता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है मरुस्थलीय पादपों एवं जंतुओं के अनुकूलन
जीवन पर टिप्पणी करने के लेकर इसमें आपको दो नंबर मिलेगा। मानव नाभि नाल तथा अपरवा को परिभाषित कीजिए, खाद्य जाल को उदाहरण के साथ समझाइए। उसके बाद किन्हीं चार यौन संचारित रोगों के नाम बताइए, जैसे कि गोनोरिया हो गया, ये सब क्या है, यौन संचारित रोग होते हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज तथा काइटिनेज के बारे में बताइए। परागण से आप क्या समझते हैं, परागण क्रिया की विधियों के नाम लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपको दो नंबर के रूप में पूछा गया। उसके बाद मुकुलन को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, ये नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कैरियोगेमी तथा कैरियोकाइनेसिस में अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप से आप क्या समझते हैं, फिनोटाइप यानी जीनोटाइप जीन की संरचना को कहते हैं, इसमें अंतर डिफरेंस करने के लिए आपको बोल रहा है। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, दो नंबर आपको इसमें मिलेंगे। लैक ऑपेरोन के प्रकार्य पर टिप्पणी कीजिए। डीएनए बहुरूपता से क्या समझते हैं, मानव के अवशेष अंगों की सूची बनाइए। उसके बाद है जो जैव विविधता के किन्हीं तीन भागों के नाम लिखिए। पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, भारत के चार राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिए। उसके बाद जो है क्या है कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो बीटी यानी बीटी विष उत्पादित करता है। जीवाणु तथा कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं, उसके बाद उसके बाद जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को समझाइए। यह सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया। दो नंबर का क्वेश्चन सुपोषण तथा शैवाल परस फूटन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यह है, ठीक है, आगे आपको पूछा गया है कि केंद्रीय डोगमा से आप क्या समझते हैं, प्रतिलेखन का विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व करने पर आपको 5 नंबर दिया जाता है, 5 नंबर इसका वेट होता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, यानी तीन प्रश्न आपको पूछा गया, इसका आपको उत्तर देने के लिए करा। टीका एक प्रतिरक्षक को परिभाषित कीजिए। एंटीबॉडी के किन्हीं तीन वर्गों के नाम लिखिए। उसके बाद एंटीबॉडी के कार्यों को लिखिए, ठीक है, यानी 1.5 नंबर करके इसमें दिया गया, इसमें 2 नंबर आपको मिला गया, ठीक है, यानी 2200 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा। 300 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंतः प्रजनन तथा क्रॉस प्रजनन क्या होता है, जीव द्रव्य संवर्धन तथा उत्तक संवर्धन क्या होता है, ये सब आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए करा। मैं आपको क्या करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए करा। आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए, यानी चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, टी लिम्फोसाइट या फिर बी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट या और संजात तथा असंजात अंग का, या फिर इनमें से किसी दो का आपको क्या करने के लिए, वर्णन करने के लिए करा। दो पर आपको एक तरह से परिभाषा देने के लिए करा 2400 नंबर क्वेश्चन में। आगे आपको पूछा गया कि निम्नांकित को केवल क्या कहे कि नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, यानी चित्र के द्वारा आपको दर्शाने के लिए करा। एड्स विषाणु की संरचना या फिर स्थानांतरण, आरएनए का कलोवर लीफ मॉडल क्या होता है, इसको चित्र के द्वारा दर्शाने के लिए करा। मानव शुक्राणु क्या होता है, इसको आप चित्र के द्वारा दर्शाने के लिए करा, ठीक है, 2500 नंबर क्वेश्चन में। 2600 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नांकित को परिभाषित कीजिए, जैविक घटक क्या होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, समष्टि वृद्धि या फिर विपिंसन या फिर जैव परिवर्तन क्या होता है, इसका आपको एक तरह से परिभाषित करने के लिए करा। प्रत्येक परिभाषा पर आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 5 परिभाषा लिखने के लिए करा तो 5×1=5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। यही टाइप के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछे जाते हैं एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिए, जहां भी आप लोग का नहीं मिल रहा, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज एक तरह से कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ नहीं हुआ। और आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक तरह से बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जितने भी अपडेट आते हैं सारे अपडेट को कवर कीजिए। सारे अपडेट को कवर करने से आपका पूरा तरह से स्ट्रॉन्ग तैयारी होगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे वो फिर थ्योरी हो या फिर कुछ भी हो, सारे को कवर कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा, आपका सेंटअप एग्जाम भी चले गया, अब डायरेक्ट आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, और सेंटअप एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। इतना तो नंबर लाना होगा, कम से कम फर्स्ट डिवीजन नंबर लाना है, कम से कम जो है वो फर्स्ट डिवीजन लाना है, कम से कम ये टारगेट रखना है, ठीक है, यानी फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा मार्क्स लाइए तभी कुछ है इस जमाने में, क्योंकि कंपटीशन का युग है। इसलिए आप लोग ज्यादा से मेहनत कीजिए और ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।